बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। लुक एट पेज नंबर 12, सिलेक्चर 4, पार्ट 2। इसमें जी जो रिमेनिंग मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उनकी कंट्रीब्यूशन का जिक्र है। फर्स्ट हमारे पास अली बिन रब्बान तुबेरी। उनकी वर्किंग क्या थी जी, क्या कंट्रीब्यूशन थी? ही रोट बुक्स फिरदौस अल हिकमा। ही वर्कड इन द फील्ड ऑफ फिलासफी, जोलॉजी, साइकोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था फिरदौस अल हिकमा। इसके अलावा उन्होंने फ़लसफे की फील्ड में, जोलॉजी इन एनिमल साइंसेस में, साइकोलॉजी में, जबकि इल्म फलकियात में भी अपना किरदार अदा किया उसकी। नेक्स्ट है जी अल-फ़ाराबी। ही वॉज़ ए रिनाउंड हकीम एंड सर्जन, एक बहुत मशहूर सर्जन अपने दौर के और हकीम भी थे। उन्होंने दो किताबें राइट की थी, एक बुक थी दैट इज़ किताब अल नबातात, दूसरी थी किताब अल हैवानात। नाम जाहिर करता है किताब अल नबातात में पौधों का जिक्र था, किताब अल हैवानात में मुख्तलिफ जानदारों का जिक्र किया गया था। नेक्स्ट है जी हमारे पास ज़ियाद्दीन इब्ने बेतर। वो एक स्पेशलाइज्ड इन द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ही ऑब्जर्व मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट, मुख्तलिफ अना अकसाम के जो पौधे थे उनका जिक्र किया। उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की बुक्स राइट किए थे इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारे पास कमालुद्दीन अल-दमीरी। ही राइट बुक्स हयातुल हैवान, जिनमें मुख्तलिफ 1000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स की स्टडी की गई थी, उनके लाइफ साइकल्स और डिफरेंट किस्म की उनके जो फंक्शंस थे उनका जिक्र था। नेक्स्ट हमारे पास जी कंट्रीब्यूशन दैट इज़ अबाउट अबुल कासिम मजरीती। ही राइट बुक्स रिलेटेड टू एनिमल स्पीशीज। इन्होंने भी मुख्तलिफ एनिमल्स के मुतालिक और उन मुख्तलिफ आप जानते हैं मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स पाए जाते हैं दुनिया में, उनके मुतालिक बुक्स राइट की थी। आपका होम टास्क है जी लर्न आल कंट्रीब्यूशंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स।